हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको ईपीएफओ की तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है जो मैं आपको इस वीडियो का माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। जैसे अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में किसी भी प्रकार से कुरेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर जेंडर गलत है, या फिर इसके अलावा कुछ भी अगर आपका पीएफ अकाउंट गलत होता है और उसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता था। लेकिन जो भी आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसे आपने फिलअप किया है, उसमें से जो भी आपका कंपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है उसका सील सिग्नेचर मोहर मरवाना होता था, तभी तो सब अपना पीएफ अकाउंट में कुरेक्शन वगैरह कर सकते थे। लेकिन समस्या के बाद यही है, मान के चले अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है या फिर आपका कंपनी का अता पता नहीं होता था, तो इस कंडीशन उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे कंपनी एम्प्लॉयर का सील सिग्नेचर या फिर मोहर आप नहीं मरवा सकते थे। और इस कंडीशन में आपका जो भी आपके पीएफ अकाउंट गलत होता था उसे आप ठीक नहीं करवा सकते थे, कुरेक्शन नहीं करवा सकते थे। तो इसका एक सोल्यूशन ईपीएफओ की तरफ से जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे एक नया फॉर्म, एक नया फॉर्मेट में जारी किया गया ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जहां पर दोस्तों आपका कंपनी का सील सिग्नेचर मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी तो सील सिग्नेचर मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपके विलेज में जैसे कि आपके मुखिया होते हैं, आपके सरपंच होते हैं, या फिर जो बैंक मैनेजर होते हैं, इसके अलावा काफी सारे पर्सन है जहां से आपको सिग्नेचर करवाना होगा। इसका एक कंप्लीट लिस्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ एक नया जो फॉर्म जारी किया गया है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और साथ साथ उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ साथ आप किन लोगों से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करवा सकते हैं, सील मोहर वगैरह मरवा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी नॉलेजफुल होगा। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे ईपीएफओ के संबंध में काफी सारा टाइम टू टाइम यहां पे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल जितने भी कंटेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं। स्क्रीन पर देख सकते हो जो भी ईपीएफओ की तरफ से यहां पर ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया गया वो यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जनरली तो ये तीन पेज में आता है, पहला पेज तो ये है, दूसरा पेज उसके बाद तो यहाँ पे तीसरा पेज यहाँ पर नजर आता होगा। अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, अगर आपका कंपनी का अता पता नहीं है, तो इस कंडीशन ईपीएफओ की तरफ से देख सकते हैं तीसरा पेज जोड़ा गया, इसी पेज के माध्यम से इसी फॉर्म का आपको फिलअप करना होगा। देन दोस्तों अपना पीएफ को में किसी भी प्रकार से कुरेक्शन अपडेट या चेंजमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला पेज से मैं आपको बता देता हूँ इस पेज को आपको किस प्रकार से फिलअप करना है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को, वो भी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तीनों पेज में आपको कौन कौन सा पेज को आपको फिलअप करना होगा, अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, आपका कंपनी का अता पता नहीं है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और कहाँ सबको सील सिग्नेचर मोहर करवाना है, कौन से यहाँ पे ऑथराइज पर्सन होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको नाम देना है, उसके बाद जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पीएफ अकाउंट कहने का मतलब होता है जो भी आपका मेंबर आईडी नंबर है वही यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है, समझ आ गया होगा पहला पार्ट। उसके बाद नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट 11 चीजों को ठीक करवा सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके पीएफ अकाउंट क्या गलत है, क्या ठीक करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपका पीएफ अकाउंट नाम गलत है, नाम ठीक करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको नाम वाला कॉलम में आना है, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भी गलत नाम होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका सही नेम होगा वो यहाँ पे करेक्ट वाला में आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। करेक्ट वाला में जो आपका सही नेम होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और जो यहाँ पे गलत नाम होगा वो आपको इनकोरेक्ट वाला में आपको फिलअप करना है। सेम है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत होगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन को भी आपको फिलअप करना होगा, जो भी आपका गलत डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सेम है इसी प्रकार से जो भी आपका गलत होगा उसके अनुसार आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है, इस पार्ट को आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, अगर आपका कंपनी का अता पता नहीं है, ये पार्ट फिलअप नहीं होगा। इस पार्ट के जगह पर ही दोस्तों ये तीसरा फॉर्म जोड़ा गया है जो यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, उसी पार्ट के जगह पे ये फॉर्म को जोड़ा गया है, ठीक है। इस पार्ट को आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट भी आपको फिलअप करना होता है। तो सिंपल जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको नाम देना है, और यहाँ पे कंपनी अपना सील सिग्नेचर करता है, तो यहाँ पे कंपनी अपना नाम लिखता है, जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन होता है वो यहाँ पे वो अपना नाम लिखता है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों को फिलअप नहीं करना है, इस बॉक्स को आपको खाली रहना देना है, ठीक है। कंपनी का अता पता रहता है तो वो यहाँ पे वो अपना नाम लिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको छोड़ देना है, खाली रहना देना है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथराइज सिग्नेचर होता है। कंपनी अगर आपको अता पता रहता है तो यहाँ पे कंपनी से सील सिग्नेचर मोहर करवाना होता है, लेकिन इस बॉक्स को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे केवल आपको अपना नाम लिखना, अपना सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। मतलब सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे आपको केवल दो यहाँ पे आपको बॉक्स फिलअप करना है, यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा, बस इतना ही आपको एक पेज को आपको फिलअप करना, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है, सबसे मेन फॉर्म यही है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा, यहाँ पे देखिए सबसे मेन पार्ट यहीं पे आता है, ऊपर में देखिए लिखा आता होगा इन केस ऑफ क्लोज, मतलब अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, आपका कंपनी का अता पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेचर किस व्यक्ति से कराइएगा, ठीक है, वही उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता है आई, आई के बाद जिस भी व्यक्ति से आप ऑथराइज करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर करेगा उसका यहाँ पे नाम देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ईपीएफओ ने लिस्ट जारी किया है जहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बताया है कि यहाँ पे किन किन व्यक्तियों से सिग्नेचर करवा सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे ऑथराइज पर्सन होता है जिससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, उसका सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसका नाम वहां पे मैं बता देता हूँ, देन दोस्तों इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इसी पीडीएफ फॉर्म में दोस्तों आपको ऊपर कोड आना है, जब ऊपर कोड आएगा तो यहाँ पे आपको आना होगा नंबर, देखिए 6 का 1 4 में, ठीक है। यहाँ पर नजर आता है ऑथराइज टू अटेस्ट द क्लेम इन केस ऑफ क्लोज इंस्टॉलमेंट, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपका कंपनी बंद हो चुकी है या फिर आपका कंपनी का अता पता नहीं है तो आप कहाँ से सील सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन ऑथराइज पर्सन होता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेटेड लिस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑथराइज पर्सन आपके लिए माना जाएगा वो मजिस्ट्रेट हो गए, जो भी आपका मजिस्ट्रेट है उससे करवा सकते हैं, गेजेट ऑफिसर से करवा सकते हैं, पोस्ट या तो फिर सब पोस्ट मिनिस्टर होता है उससे करवा सकते हैं। सिंपल से समझ लीजिए, जो भी आपके घर के पास पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में अगर कोई पोस्टमैन है या फिर पोस्ट मास्टर है उससे भी सील सिग्नेचर मोहर करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कोई मेंबर है तो उससे करवा सकते हैं, असेंबली का कोई मेंबर है तो उससे करवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई मेंबर ऑफ म्युनिसिपल का है तो उससे भी करवा सकते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्टी को है कोई सदस्य उससे करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड, कोई पीएफ ऑफिसर है, कोई पीएफ ऑफिस में काम करते हैं, वो अगर रिटायरमेंट वगैरह हो चुके हैं या रिटायरमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है तो उससे भी यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा आता है मैनेजर ऑफ बैंक इन द बैंक अकाउंट ऑफ द क्लाइंट इज मेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उसी मैनेजर से आपको करवाना है, अगर आपका सैलरी बैंक अकाउंट है तो जहां भी आपका पैसा जाता था, जहां पे आपका बैंक मैनेजर आपका बैंक अकाउंट को मैनेज करता था, अगर आपका सैलरी बैंक अकाउंट है तो उस बैंक का जो मैनेजर होंगे उससे आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है जैसे करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो वहां पर उस बैंक पर जाकर के मैनेजर से करवाएगा तो वहां से नहीं होगा, केवल सैलरी बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए उससे जाकर के उस मैनेजर से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर आता है हेड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, मान के चलिए अगर आपके विलेज में आपके शहर में कोई हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में अगर कोई भी हेडमास्टर है उसे करवा सकते हैं, या तो उसके अलावा और भी कोई हाई इंस्टीट्यूट है उसके जो हेड होते हैं उसे करवा सकते हैं। सिंपल से स्कूल में चले जाइए, वहां पर जो हेडमास्टर होगा उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर सातवां आठवां का जो भी हेडमास्टर होता है उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ होगा विलेज पंचायत हेड, जो भी आपके विलेज के पंचायत के जो हेड होते हैं जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उसे करवा सकते हैं। सिंपल से मुखिया से करवा लीजिए, सरपंच से करवा लीजिए, या फिर पंचायत सेक्रेटरी है तो उसे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तहसीलदार होता है उससे भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। काफी सारा यहाँ पे लिस्ट दिया गया, इन लिस्ट में जो भी आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप जाकर के सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं उनके पास चले जाना, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया हूँ, तो लिस्ट के हिसाब से जिस भी व्यक्ति के पास जाकर के यहाँ पे ऑथराइज पर्सन से सिग्नेचर वगैरह करवाना चाहते हैं वहां पे जाना, उसी के द्वारा दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है। आपको इस फॉर्म को नहीं फिलअप करना है, उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से वो व्यक्ति फिलअप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो अपना नाम देंगे, जो भी उनका नाम होगा वो देंगे। उसके बाद वो किस पोस्ट पे है, किस पद पे है, वो अपना पद का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस वो अपना देंगे, जो भी उनका एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पीएफ मेंबर, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वही आपका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नीचे आइए, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा नेम ऑफ ऑथराइज, नेम ऑफ ऑथराइज में दोस्तों वो अपना नाम देंगे, जो भी यहाँ पे वो अपना नाम दिए थे वो अपना यहाँ पे कंप्लीट नाम देंगे। और यहाँ पे सील ऑफ ऑथराइज, जो भी व्यक्ति यहाँ पे अपना नाम दे रहे हैं जिस भी पद पे होंगे, तो जैसे कि मुखिया पद पे होंगे या फिर हाई स्कूल में हेडमास्टर होंगे तो उसका दोस्तों सील सिग्नेचर मोहर वगैरह होता है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे सील सिग्नेचर मोहर वगैरह यहाँ पे मार देंगे, ठीक है। तो फाइनली ये आपका अप्रूव हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आपने ऑथराइज पर्सन से सील सिग्नेचर मुहर वगैरह करवाया, ठीक है। अगर आपको कंपनी वगैरह बंद हो जाता है, पता वगैरह नहीं होता कोई कंपनी का, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सील सिग्नेचर वगैरह करवा लेना है ऑथराइज पर्सन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको देना होता है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट में आपको बता देता हूँ।
जैसे अगर आप अपना पीएफए को नाम में ठीक करवाना चाहते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ में ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी पीएफओ की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया। चलिए लिस्ट में आपको सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पूरा लिस्ट यहाँ पर बता दिया गया, जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए नाम या फिर जेंडर में ठीक करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर नजर आता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस है, कंप्लीट यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम नजर आ जाता है। इन डॉक्यूमेंट कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट लगा लेना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाम या फिर जेंडर ठीक करवा रहे हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। आधार कार्ड आपको लगाना ही होगा, उसके अलावा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नजर आ जाता है। आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है उसका सो यहाँ पे आप इस फॉर्म पे आइएगा, और इस फॉर्म का दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड, इसके साथ डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। साथ साथ ये जो पेज है, ये फॉर्म है, इसके पीछे क्या होगा, व्हाइट पेज होगा, उस पेज जो पीछे वाला पार्ट है, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड लिखना है डॉक्यूमेंट नंबर वन में, उसके बाद अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर टू में पैन कार्ड लिखना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लिख लेना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने का तरीका बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या लगाना वो भी मैं आपको समझा दिया हूँ। अब दोस्तों जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस होता है वहां पर जाकर के ये फॉर्म आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया, अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है फिर आपका कंपनी का पता नहीं है, तो जो भी पीएफओ की तरफ से नया फॉर्मेट जारी किया गया था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं इसी पर वीडियो पाना चाहते हैं फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी पीएफओ की तरफ से यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था पीडीएफ फाइल में, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो उसका जो डाउनलोड लिंक होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, लिंक पर जाइए क्लिक कीजिए, उसके बाद जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही साथ उस टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, फॉलो कर लेना है, क्योंकि दोस्तों उस चैनल पे आप ही लोगों के लिए मैंने उस चैनल को बनाया था, साथ ही साथ जितने भी पीएफओ के संबंध अपडेट होता है टाइम टू टाइम वहां पे सबसे पहले मैं अपडेट करता रहता हूं, तो उस चैनल को भी आपको फॉलो कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।